हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी कच्चे चावल से बने इस नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि एक बार आप इसे बना करके खाओगे ना तो बार बार इसे खाना पसंद करोगे। और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है इस नाश्ते को बनाने में। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं। तो ये जो चावल हैं, कच्चे चावल हैं, इन्हें मैंने 3 घंटे पहले भिगा दिया था, तो ये बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। पानी इसका एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया है और इस मतलब चावल को मैंने ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। एक हरी मिर्च ले ली है तोड़ करके, थोड़ी सी अदरक डाल दी है और 1/2 कप मैंने यहाँ पर दही ले ली है। दही आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। और बस अब कुछ भी नहीं, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही स्मूथ सा हमें पेस्ट इसका तैयार करना है। तो यहाँ पे आप चावल को ओवरनाइट भी भिगा करके रख सकते हो अगर आपको सुबह इस नाश्ते को बनाना है तो। और आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट सा बैटर हमारा कच्चे चावल का तैयार हो चुका है। तो इस सारे बैटर को हम एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस नाश्ते को मैंने एक कटोरी चावल से बनाया है, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है। इसे जब आप छुएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपने ये सूजी मतलब जैसे सूजी में दाने होते ना वैसा आपको लगेगा। कहने का मतलब है कि दानेदार जैसा। और बस यहाँ पे जो खाने वाली चम्मच होती है ना उस चम्मच से हम 2 चम्मच डाल देते हैं सूजी। सूजी डाल करके बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम बैटर को ढक करके लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। तो जब तक कि बैटर रेस्ट में है तब तक इधर हम कुछ तैयारियां और कर लेते हैं, जैसे कि नाश्ते के लिए हम तड़का तैयार कर लेंगे। एक छोटा फ्राई पैन ले लेते हैं। छोटे फ्राई पैन में हम 1 चम्मच ऑयल ले लेते हैं। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे राई और थोड़ा सा हम यहाँ पे हींग डाल देते हैं। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। तो थोड़े से कटे हुए करी लीव्स डाल देते हैं जिसे हम मीठा नीम भी बोलते हैं। अच्छे से तड़के को पका लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट तड़का पक चुका है। इसी बैटर में हम राइस वाले बैटर में डाल देते हैं इस तड़के को और अच्छे से तड़के को मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे नाश्ते में। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट बन करके तैयार होगा। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है। तब तक इधर हम इस नाश्ते को पकाने के लिए कढ़ाई तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है और 1 स्टैंड डाल देंगे। इसे हम गर्म होने देते हैं। जिस प्लेट में आपको नाश्ता बनाना है ना उस प्लेट को भी आपको स्टैंड पे इस तरीके से रख देना और लीड लगा करके इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। और जो होल होता है ना लीड में उसे भी इस तरीके से बंद कर देना है। तो अब हम बैटर को मतलब तैयार कर लेते हैं। बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो यहाँ पे हम लगभग 1 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए, इससे नाश्ता भी अच्छा बन करके तैयार होगा। तो अब जो बैटर है ना बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि अक्सर हम इडली वगैरह बनाते हैं ना वैसा ही हमें इसका बैटर चाहिए होगा। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट। इनो डालने के बाद हमें बैटर को रखना नहीं होता है, इनो को अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस बैटर में हमने अच्छे से इनो को मिक्स कर लिया है और जिस प्लेट में हम नाश्ता बनाने वाले हैं उसमें हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैटर ट्रांसफ़र करने से पहले हम प्लेट को थोड़ा सा ऑयल घी किसी भी चीज़ से ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि नाश्ता चिपकेगा नहीं। वैसे तो इसे मैं चावल से बना करके तैयार कर रही हूँ ना तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से निकले, परफेक्ट हमारा नाश्ता डीमोल्ड हो इसके लिए हमें ऑयल लगाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। अच्छे से ग्रीस करके हम इसमें बैटर ट्रांसफ़र कर देते हैं। पूरी प्लेट में बैटर को अच्छे से सेट कर लेना है और अब इसे हम ढक करके पका लेते हैं। लगभग 15 मिनट हम इसे पकाएंगे स्टीम में और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये नाश्ता पक करके तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के लिए हम लीड लगा देते हैं और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और बस इस नाश्ते को हमें पका लेना है।
तो जितना आपने बैटर मोटा पतला मतलब इसमें ट्रांसफ़र किया होगा ना, टाइम उसके हिसाब से लगेगा। मुझे ये नाश्ता पकाने में 10 मिनट लगा है, 15 मिनट भी लग सकता है। आप ली मतलब कोई टूथपिक वगैरह डाल करके चेक कर लीजिएगा, अगर वो क्लीन निकल रही है इसका मतलब है कि नाश्ता हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, पक चुका है। बस प्लेट को हम बाहर रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट पीसेस निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। इसे सर्व करना भी इजी हो जाता है इस तरीके से पीसेस कट करने से, और इसे बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी ट्राई करिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।